कोरोना महामारी को रोकने की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर के पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से कोरोना महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, साथ ही पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। तो सब लोगों को मालूम पड़ेगा क्या क्या होने जा रहा है, उस पर मेरे विस्तार जाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। सारी व्यवस्थाएं माकूल चल रही है और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का, उसमें कोई कमी नहीं रह रही है। खाली जो रैपिड टेस्ट होने थे, जिसका जिक्र पिछले 5-7 दिन से हो रहा है, दुर्भाग्य से वो अभी कंट्री में आ नहीं पा रहे हैं, आए नहीं है, रोज सुनते हैं आएंगे। अब ICMR ने कहा है कि पहले सप्लाई उनको हो तो वो राज्यों को करेंगे। हर एक राज्य अपनी अपनी मांगे रख रहा है कंपनियों के साथ, जो जो सप्लायर है उनको सप्लाई की लिस्ट बनाई है ICMR ने, उनको आदेश दिए गए हैं, पर क्योंकि अधिकांश राज्यों दे दिए गए हैं तो अभी सप्लाई किसी को भी नहीं हुई। हमें उम्मीद थी कि सप्लाई जल्दी आ जाएगी, उस पर देरी हो रही है क्योंकि दुनिया भर के लोग डिमांड कर रहे हैं इसी रैपिड टेस्ट के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी आएगा तब उसको शुरू कर दे, पर अभी वैसे भी हमने टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी राजस्थान में वो बढ़ते बढ़ते पहले बहुत मामूली थी, पुणे भेजते थे टेस्ट को, दिल्ली भेजते थे, अब हम 4,000 तक पहुँच गए हैं और अगले 10 दिन में मेरे ख्याल से 10,000 तक पहुंच जाएंगे पर डे टेस्ट। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ रही है जिसकी अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है सौभाग्य से, ICU के बेड बढ़ा रहे हैं और क्वारंटाइन के लिए प्रोविजन कर रहे हैं अगर जरूरत पड़े तो। इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं माकूल और सभी लोग लगे हुए हैं, हर विभाग के लोग। माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है पहली बार कि कोई वर्ग ऐसा नहीं राजस्थान में, मीडिया सहित, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आम आदमी हो, विभिन्न सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सब लोग मिलके इस लड़ाई में सब साथ में। राजस्थान पुलिस दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक